ज़ॉम्बी जॉनर को फिर से जीवित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड साबित करता है कि इस भीड़ भरे स्पेस में अभी भी इनोवेशन बाकी है। हारो आसो और कोटारो ताकाता द्वारा मंगा पर बेस्ड यह एनिमे अपोकलिप्स को सेल्फ डिस्कवरी, हंसी और कुछ केओस की अपॉर्चुनिटी में बदलकर एक रिफ्रेशिंग और अनकन्वेंशनल अप्रोच अपनाता है। कहानी अकीरा टेंडो की है, जो एक यंग ऑफिस वर्कर है जो एक टॉक्सिक और थकाने वाली जॉब में फंस गया है, जिसने उसकी जिंदगी से खुशी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उसके लिए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की शुरुआत दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि यह उसकी फ्रीडम को फिर से हासिल करने का एक मौका है। सपनों की एक बकेट लिस्ट के साथ अकीरा अपनी नई लिबरेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए निकल पड़ता है। अनडेड के केओस के बीच अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीता है। एनिमे का पहला एपिसोड विजुअल स्टोरी टेलिंग में एक मास्टर क्लास से कम नहीं है, जो तुरंत सीरीज के लिए टोन सेट करता है। वाइब्रेंट कलर्स और स्टनिंग एनिमेशन के जरिए यह अकीरा के पुराने एग्जिस्टेंस से लेकर उसके नए एक्साइटमेंट की जिंदगी को दर्शाता है। विजुअल्स सिर्फ कहानी को ही नहीं बढ़ाते हैं, वे इसे जैसे जिंदा कर देते हैं, जिससे हर मोमेंट डायनामिक और रोमांचक लगता है। इसके कोर में ये एक रोड ट्रिप शो है, जिसमें गैंग जापान में ऐसे एडवेंचर्स पर जाती है जो उतने ही मज़ेदार हैं। लेकिन यह अभी भी एक ज़ॉम्बी स्टोरी है, और ज़ॉम 100 वॉकिंग डेड पर एक रिफ्रेशिंग टेक पेश करता है। एक बात तो यह है कि इस कहानी में हर कोई ज़ॉम्बीज के बारे में जानता है। अकीरा को एक समय पर वीडियो गेम ज़ॉम्बीज को मारते हुए दिखाया गया है, और हम एक मूवी मेकअप आर्टिस्ट से मिलते हैं, जिसे ज़ॉम्बी के नकली होने का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। इसका मतलब है कि रूल्स को सीखने में कोई समय बर्बाद नहीं होता, लोगों को यह समझाने में बिल्कुल देर नहीं होती कि ज़ॉम्बीज खतरनाक हैं। इसके बजाय हम सीधे अजीबोगरीब सिचुएशंस में चले जाते हैं, जैसे कि एक एक्वेरियम एक ज़ॉम्बी शार्क के खिलाफ लड़ाई में बदल जाता है। हालांकि ज़ॉम 100 हमारे मेन ग्रुप के सर्वाइवर्स के बारे में है, लेकिन कभी कभी यह अपना ध्यान कहीं और मोड़ लेता है, जिससे वर्ल्ड वॉर जेड की याद दिलाने वाली एक ग्लोबल पिक्चर के रूप में सामने आती है, जो शो की दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। अपने पहले सीजन के दौरान ज़ॉम 100 ह्यूमर, एक्शन और हार्टफेल्ट मोमेंट्स को आसानी से बैलेंस करता है, चाहे वह अकीरा को रास्ते में मिलने वाले यूनिक सर्वाइवर्स हों या उनके सामने आने वाले क्रिएटिव और ओवर द टॉप सिनेरियोस हों। यह सीरीज आपको लाइफ और ह्यूमैनिटी की अपनी अलग लेकिन थॉटफुल एक्सप्लोरेशन से बांधे रखती है। ज़ॉम 100 काफ़ी वायलेंट और खूनी हो सकता है, लेकिन ये खून के छींटों के लिए मल्टी कलर्ड पेंट में रंगा हुआ है, जो दिखने में मज़ेदार भी है। ज़ॉम 100 का ह्यूमर शॉन ऑफ द डेड के हैंगआउट टोन और ज़ॉम्बीलैंड की सेल्फ अवेयर कॉमेडी के बीच कहीं है, क्योंकि यह सब छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेने के बारे में है। इसीलिए कैरेक्टर्स ज़्यादातर बेवकूफ़ों की तरह बर्ताव करते हैं और कॉमन सेंस या खतरे के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। हालांकि यह काम भी करता है, क्योंकि अकीरा ऑडियंस को यह याद दिलाना कभी बंद नहीं करता कि उनकी खुशी कितनी बड़ी है। उसकी बकेट लिस्ट में वे चीज़ें शामिल हैं जो वह ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। उसने पहले ही खुद को इस फैक्ट के साथ स्वीकार कर लिया है कि वह अंततः वॉकिंग डेड के सामने झुक जाएगा। हम शुरू से ही जानते हैं कि इन कैरेक्टर्स के लिए ज़िंदगी कैसी थी, और यह फिर से हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वे गूल्स बन जाएं, क्यों ना कुछ मज़ा लिया जाए। हालांकि एनिमे में खामियां भी हैं। प्रोडक्शन डिलेज के कारण रिलीज स्केड्यूल इनकंसिस्टेंट हो गया था, और जबकि एनिमेशन अक्सर लुभावने होते हैं, जिसमें ऐसे मोमेंट्स हैं जो क्वालिटी कम करते हैं, इसके बावजूद शो के स्ट्रॉन्ग राइटिंग और एंडियरिंग कैरेक्टर्स की बदौलत कुछ लो क्वालिटी एपिसोड्स भी काफ़ी एंटरटेनिंग बने रहते हैं। ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड ज़ॉम्बी जॉनर पर एक रिफ्रेशिंग टेक पेश करता है, जिसमें अपोकलिप्स को एक बड़े प्लेग्राउंड में बदल दिया जाता है, जहां प्रोटैगनिस्ट्स अपने सपनों को सच करते हैं या कोशिश करते हुए मर जाते हैं। वाइब्रेंट कलर पैलेट, एंडियरिंग कैरेक्टर्स और एक फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ यह एक रिलेटेबल और फनी ज़ॉम्बी स्टोरी है।